उत्तराखंड के प्रवेश द्वार हरिद्वार से दरिद्र धाम के लिए प्रस्थान करते हैं और दक्षिण भारत उत्तर भारत समूचा भीष्म काल में भगवान बद्री विशाल भगवान केदार बाबा और गंगोत्री यमुनोत्री के लिए प्रस्थान कर रहा होता है उस समय वहां की गाड़ियों में सिर्फ एक ही संकीर्तन चलता है श्रीमन नारायण नारायण वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स एक्सप्लोर नॉर्वे। मैं त्रिभुवन ओस्लो नॉर्वे से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और जैसा कि आप जानते हैं आज एक बहुत ही ऑस्पिशियस डे है और मैं आया हूं सनातन धर्म मंदिर जहां पे कि आज ज़बरदस्त जो है पहले दिन जनवरी के नए साल के पहले दिन जो है यहाँ पर एक बेहतरीन भजन संध्या का आयोजन किया गया जिसमें कि हमारे उत्तराखंड के जो सागर जागर सम्राट हैं और जिनको पद्मश्री भी मिला है 2019 में प्रेसिडेंट भारत के रामनाथ कोविंद द्वारा वो आकर के उन्होंने एक भजन संध्या यहाँ पर की और उसी का ये कार्यक्रम आपके लिए प्रस्तुत किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो कार्यक्रम है ये बहुत ही अच्छा लगेगा और आप इंजॉय करेंगे और मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ इस नए वर्ष में यही हैं कि आप सबका कल्याण हो, मंगलमय आपका वर्ष रहे और आपकी सारी उम्मीदें और आपकी जो सारी सक्सेस है जो भी चीज़ें आप करना चाह रहे हैं उनमें आपको सफलता मिले। इसी के साथ इस ब्लॉग का मैं एंड करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब इंजॉय करेंगे। त्रिवेणी है जिस क्षेत्र में भगवान बद्री विशाल केदारनाथ गंगा जी और यमुना जी का उद्गम स्थल उस क्षेत्र से हमारे राष्ट्रपति से सम्मानित पद्मश्री पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ है। देखो भगवान की बड़ी ही लीला है कि प्रीतम जी को जो है पद्मश्री पुरस्कार मिला और आराध्य देवी भगवान बद्री विशाल जी का स्मरण करता हूँ। भगवती राजराजेश्वरी भगवती जगदम्बा पंचनाम देवता भगवती गंगा भगवती यमुना भगवती पिंडार अलकनंदा को प्रणाम करता हूँ और भारत भूमि से दूर इस सात समंदर पार नॉर्वे की धरती में सनातन मंदिर सभा के इस बहुत दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान प्रवासी भारतीय भाई बहनों, मंदिर सभा के पदाधिकारी, भारतीय
मूल के दिव्य मानव जनों, माँ बहनों, मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इस दिव्य और भव्य मंदिर में 2024 के पहले दिन, प्रथम दिन, नव वर्ष की आरंभ की वेला पर प्रस्तुति करने का सौभाग्य मिला है। अखंड सत्र से रोजा सागर की सात खुलियों तार में का वास्ता भगवती गंगा धरा पर आए, और भगवती गंगा धरा पर आए, गंगा को मैं धोलू श्री गंगोत्री धाम। पंडों का शंख बजला राम गंगा नयना दे भक्तों शिव गंगा जाते हैं, तो एक भजन जी के हिमालय और भारत के सपूत बैठे हुए हैं, और जो धारा बर्फ से ढकी हुई है, यह भगवान श्री राम बद्रीनाथ जी कृष्ण राधा कृष्ण के रूप में विद्यमान है। आइए थोड़ा सा मनोभाव से जुड़े बद्रीनाथ जी। भुवे कुंठ बद्री धाम जो भगवानियों नन मन की जन्म सुफल तितर मोक्ष पोनन। भुवे कुंठ बद्री धाम मन की जन्म सुफल पितर मोक्ष पोनन। गिरिधर जी बड़ा भागी बिनेदन, सच्ची सरदा भाव मन से आशीष मेलन। भुवे कुंठ बद्री धाम भगवान नारायण 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 नारायण
सबसे पहले हरविंदर पराशर जी से निवेदन करूंगा कि मंदिर की ओर से इस छोटी सी भेंट को स्वीकार करेंगे। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। उनकी धर्मपत्नी साथ में आई हुई रचना भरतवाण जी से निवेदन करूंगा कि आगे आए, और मोहिनी कौशिक और सरोज सागर जी से निवेदन करूंगा कि दोनों आपका सौर देकर के धन्यवाद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कृष्ण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्रीतम जी को इतना संजो करके रखा है, तो सबसे ज़्यादा धन्यवाद आपका है कि उनकी शक्ति आपके साथ में है, आप उनको शक्ति प्रदान करके रहती हैं। अशोक सागर जी से निवेदन करूंगा कि श्रीमान सुरेंद्र कोहली जी का जो कीबोर्ड पर है उनका धन्यवाद करें। उसके बाद गोविंद शरण जो हमारे ढोलक पर हैं, आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे अनिल गुप्ता जी उनको ट्रॉफी दे करके उनका धन्यवाद करेंगे। हमारे कोर्स में गाने वाले विकास भट्ट जी, विकास जी आइए, तो मैं उनको निवेदन करूंगा कि आप उनको ट्रॉफी दे करके धन्यवाद करें। और मैं निवेदन करूंगा हमारे यहाँ पर जो यहाँ अन्नपूर्णा की सेवा करते हैं बिल्कुल, और कभी कोई शिकायत नहीं। आप आश्चर्य करेंगे कि हर व्यक्ति का घड़ी की सुई चलती है ना, तो हमारे जिनको हम बुला रहे हैं उनकी सुई चलती नहीं है, ये बिना सुई की चलते हैं। तो मैं टीकाराम जी से, जो हमारे छोटे राम जी के नाम से बुलाए जाते हैं, टीकाराम जोशी जी, सुनील सुनील जी से निवेदन करूँगा और कृपा जी। अब हमने जो है मंदिर का जो है प्रसाद लेना शुरू किया है, जो मंदिर का प्रसाद है उसके कुछ बातें कुछ अलग होती है, उसका जो स्वाद है वो दो गुना हो जाता है, क्योंकि उसमें वो भगवान का आशीर्वाद होता है और जिसको खा करके हम जो हैं अति आनंदित होते हैं, और किसी तरह का भी भोजन आप खाएं उसका स्वाद आपका चार गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। चलिए मैं इस भोजन का आनंद उठाता हूँ और आप जो है ब्लॉग का आनंद उठाएं।